यूट्यूब चैनल नीट एक्सप्लोरर में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम्स को हम बायो कैटेलिस्ट्स नाम देते हैं। बायो कैटेलिस्ट्स इनको हम इस वजह से नाम देते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स एंड दे चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। सो ऑन दैट बेसिस वी से एंजाइम्स आर बायो कैटेलिस्ट्स। सो फॉर एज द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स इज कंसर्न्ड, so enzymes are mostly proteinaceous in nature. So enzymes जो हैं ये mostly अक्सर enzymes जो हैं most of the enzymes जो हैं वो protein के बने हैं। There are some exceptions like ribozyme है, ये protein का नहीं बना है but still it's an enzyme। So, इन एक्सेप्शंस को छोड़ के अगर हम देखें एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये प्रोटीनेशियस नेचर जो है ये दिया था समनर ने इन 1926 एंड लेटर ऑन इट वॉज नॉर्थ्रॉप हु कन्फर्म्ड दिस। इसकी कन्फर्मेशन नॉर्थ्रॉप ने 1936 में किया कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। So far, on this chemical nature, enzymes can be categorized into two groups. Enzymes को हम दो groups में categorize करते हैं. One is called as the simple enzyme, and number two is the conjugated enzyme. So far as simple enzyme is concerned, simple enzymes are those enzymes which are entirely made of proteins, जो खाली proteins के बने होंगे, इनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है काम करने के लिए, catalysis करने के लिए, तो ऐसे enzymes को हम नाम देंगे simple enzymes. So they are entirely made up of proteins. They do not require anything except protein for its catalysis. So such enzymes are called as simple enzymes. And examples of simple enzymes are pepsin is there, trypsin is there, lysozyme is there. So these enzymes are simple enzymes as they are entirely made up of proteins. The second group of the enzymes on the basis of nature is the conjugated enzyme. So conjugated enzymes are those enzymes which are composed of two parts, a protein part and a non-protein part. So, वो enzymes जो बने होंगे दो parts के, एक protein का और एक non-protein part इसमें होगा, क्योंकि ये protein part जो है ये इसके बिना काम नहीं करेगा, so इसलिए इसको ये non-protein part जो है ये लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज ये एंजाइम काम नहीं करेगा। सो चूंकि यहां पे जो प्रोटीन पार्ट है दैट डज नॉट वर्क इन एब्सेंस ऑफ दिस नॉन प्रोटीन पार्ट, तो सच प्रोटीन सच एन एंजाइम इज कॉल्ड एज द एपो एंजाइम। सो इस एंजाइम को हम नाम देंगे एपो एंजाइम, क्योंकि इस एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत है तभी ये काम करेगा। So we can say it is the inactive enzyme. It cannot work in a until and unless there is non-protein part. So such a part of the conjugated enzyme is called apoenzyme.
and the non-protein part. The non-protein part means जो protein के अलावा कोई और चीज इसके साथ जुड़ेगा, जैसे कि metal ion है, जैसे कि कोई organic molecule है, तो ऐसे substance को हम कहते हैं cofactor. So इसका मतलब यही हुआ कि conjugated enzymes में दो चीजें होती हैं, apoenzyme और cofactor. Apoenzyme हुआ protein part जो इस non-protein part के बिना काम नहीं करेगा, और दूसरा हुआ नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको हम नाम देंगे कोफैक्टर. जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर एक दूसरे से जुड़ता है, देन द एंजाइम विच बिकम्स नाउ एक्टिवेटेड और फंक्शनल, इट्स कॉल्ड एज हॉलो एंजाइम. अब इस वाले एंजाइम को हम नाम देंगे हॉलो एंजाइम. अब यहां पे एक और चीज है, कोफैक्टर की हमने बात की, तो कोफैक्टर जो है इट इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट. ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो अगर ये कोफैक्टर की बात करें, इट कैन बी आइदर ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, या ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है. सो इट कैन बी एन ऑर्गेनिक पार्ट, ये ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है. इट कैन बी एन इनऑर्गेनिक पार्ट, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है. सो अगर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, देन this enzyme or this, we can simply say this inorganic part, they are also called as activators. इनको हम activators यहां पे नाम देंगे. जैसे कि यहां पे बताना चाहूंगा, enzyme है carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase requires zinc ions for its activation. So it means carbonic anhydrase जो इसमें apoenzyme है, इसके साथ cofactor जो जुड़ा है वो zinc है. तो zinc चूंकि inorganic है, तो इसको हम inorganic part भी कह सकते हैं, activator भी कह सकते हैं. और जो भी enzyme जिसमें cofactor inorganic होगा, या we can say activator होगा, normally उनको हम नाम देते हैं उन enzymes को metalloenzyme. So metalloenzymes are those enzymes which contain cofactor in the form of metals. Like, यहां पे मैंने जिक्र किया carbonic anhydrase है, it requires zinc. यहां पे example है alcohol dehydrogenase, it also requires zinc. So these, simply we can say, they are called as the metalloenzymes, as their cofactor contains a metal ion. The other portion, the other part, we can say, that's organic. कभी कभी इस एपो एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक पार्ट भी जुड़ सकता है. तो ये ऑर्गेनिक पार्ट जो है, अब यहां पे हम बात करेंगे, ये दो तरीके से जुड़ सकता है. सो ऑर्गेनिक पार्ट दो तरीके से जुड़ सकता है. यहां पर रिमेंबर बताऊं आपको, एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन पार्ट है, और ये ऑर्गेनिक पार्ट जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होगा. ये प्रोटीन नहीं होगा, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, तभी ये बनेगा कोफैक्टर. तो कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक में हो सकता है. ऑर्गेनिक में अगर हम देखें बेस्ड ऑन इट्स बाइंडिंग, तो इनकी बाइंडिंग के हिसाब से हम देखें, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर या वी कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोफैक्टर होगा, ये दो तरीके का हो सकता है. वन इज कॉल्ड एज द कोएंजाइम, एक को हम कहेंगे कोएंजाइम. इफ दिस कोफैक्टर is attached to the apoenzyme loosely. अगर ये loosely attached होगा, so it means we can separate it. Yes, इससे हम separate कर सकते हैं. So it means it is attached loosely. अगर ये loosely attached है, तो we can simply say it's a coenzyme. So for example, coenzyme की बात करेंगे, तो जैसे कि dehydrogenase enzymes हैं, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं NAD positive. That's used as a coenzyme in dehydrogenase enzymes. The second one, that's called as prosthetic group. Dusra part jo hai organic hoga, to ye bhi organic hi hoga. Isko hum prosthetic group kahenge. To prosthetic group tabhi hum isko kahenge when it is attached tightly. Ye jab tightly attached hoga. ये अगर टाइटली अटैच होगा एपो एंजाइम के साथ, देन इट्स कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. सो जैसे कि हम बात करेंगे हीम, हीम जो है द
a prosthetic group in case of catalase enzyme, in case of we can say peroxidase enzyme. So in peroxidase enzyme or in catalase enzyme, the prosthetic group, the organic part which acts as a cofactor is heme. So iska matlab ye hua ki this heme is attached tightly to the apoenzymes, then becomes prosthetic group. And if it is loosely attached to the apoenzyme, then it becomes the coenzyme. If the cofactor is in the form of inorganic material, so we can simply say they are called as activators, and mostly now we can say they are in the form of metals. So such an enzyme is called as metalloenzyme.